विश्व की प्राचीनतम जीवित नगर काशी अर्थात वाराणसी अपने आप में अद्भुत है। भगवान भोलेनाथ की प्रिय नगरी काशी के आकाशीय अवलोकन के लिए वाराणसी को भारत का पहला कॉमर्शियल रोपवे की सुविधा मिलने वाली है। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको वाराणसी में बनने वाले भारत के पहले कॉमर्शियल रोपवे प्रोजेक्ट में हुए नवीन व महत्वपूर्ण परिवर्तन की जानकारी देने वाले हैं, जिसमें कि आपको इसके नवीन मार्ग की जानकारी देने के साथ ही इस परियोजना की वर्तमान परिस्थिति से अवगत भी कराएंगे तथा बताएंगे कि क्यों हो रहा है इस महत्वाकांक्षी परियोजना में विलंब। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भगवान भोलेनाथ की प्रिय नगरी काशी को देखने व यहाँ के अल्हड़पन जीवन का अनुभव करने के लिए लाखों लोग वाराणसी आते हैं तथा नगर की बढ़ती जनसंख्या के कारण वाराणसी के सड़कों पर भार भी बढ़ता ही जा रहा है, जिसके समाधान के लिए नगर में कई मल्टी लेवल व भूमिगत पार्किंग पर कार्य हुआ है तथा सड़क चौड़ीकरण व फ्लाईओवर का भी निर्माण हो रहा है एवं एक एक करके इनका उद्घाटन भी किया जा रहा है। परंतु यह सभी मिलकर भी यातायात समस्या का पूर्ण समाधान वाराणसी में तो नहीं है तथा वाराणसी में मेट्रो व लाइट मेट्रो के विलंब को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नगर के यातायात के लिए भारत में पहली बार रोपवे सेवा को क्रियाशील करने की तैयारी है। बता दें कि ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित हो रही वाराणसी के विकास में एक और नया अध्याय जुड़ने वाला है, जिसके अंतर्गत वाराणसी के कैंट से लेकर के गोदौलिया के मध्य में प्रस्तावित रोपवे के पायलट प्रोजेक्ट को प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दे दी है। वाराणसी शीघ्र ही सार्वजनिक परिवहन के रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला भारतीय नगर बनने वाला है। विश्व भर से बनारस आने वाले यात्रियों को अब कैंट स्टेशन से गिरजाघर तक की यात्रा के लिए रोपवे की सुविधा मिलेगी। वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट की अधिक जानकारी के लिए बता दें कि कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान और मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत बनने वाले वाराणसी रोपवे का क्रियान्वयन सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, जिसे कि PPP मॉडल भी कहा जाता है, उसी पर किया जाएगा। जानकारी हेतु बता दें कि इस परियोजना के निर्माण को लेकर कुछ कंपनियों ने रुचि दिखाई थी, परंतु निविदा अर्थात टेंडर प्रक्रिया में किसी कंपनी ने भाग नहीं लिया, जिस कारण से इसमें विलंब हो रहा है। वाराणसी से गिरजाघर तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना में 5 महीने में कई बार निविदा की तिथि बढ़ाए जाने के पश्चात भी विकासकर्ताओं ने रुचि नहीं दिखाई। ऐसे में अब रोपवे परियोजना के अलाइनमेंट और तकनीकी फिजिबिलिटी का फिर से सर्वे कराया जा रहा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 5 महीने से महत्वाकांक्षी रोपवे परियोजना के धरातल पर नहीं उतर पाने के पश्चात अब इसके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अर्थात DPR में व्यापक परिवर्तन करने की तैयारी की जा रही है। वाराणसी की रोपवे परियोजना का भारत सरकार के स्वामित्व वाली नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड अब पथ प्रदर्शन करेगी। वर्तमान में कैंट से गिरजाघर के मध्य में प्रस्तावित रूट के DPR और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से होने वाले निर्माण के तरीकों में परिवर्तन पर मंथन किया जा रहा है। इस परियोजना को वित्तीय रूप से उपयोगी बनाने के लिए व्यावसायिक गतिविधियों में भी परिवर्तन करने पर विचार किया जा रहा है। व्यापक परिवर्तन के पश्चात अब विकास प्राधिकरण इसका नए सिरे से टेंडर करेगा। इस परियोजना को वित्तीय रूप से उपयोगी बनाने के लिए कंसल्टेंट कंपनी वेबकॉस के अतिरिक्त अब दूसरी सलाहकार कंपनियों के साथ भी मंथन किया जा रहा है। भारत सरकार की ओर से नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंपनी को रोपवे परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अधिकृत संस्था नामित किए जाने के पश्चात रेलवे स्टेशन को इससे जोड़ने के प्रयास पर भी विचार किया जा रहा है। वास्तव में वर्तमान में तैयार रोपवे परियोजना के DPR में निवेश के सापेक्ष में आय बहुत कम होने के कारण PPP मॉडल की इस परियोजना में कंपनियों ने रुचि नहीं ली है। यही नहीं, वाराणसी रोपवे में और भी परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि कैंट से गिरजाघर के मध्य तय रूट पर रोपवे के पिलर के लिए लगभग 20 से 25 फीट गहरा गड्ढा किया जाएगा। ऐसे में भूमि की खुदाई में जन सुविधाओं से जुड़ी कई पाइप और डक के क्षतिग्रस्त होने का खतरा है, इसलिए अब पिलर की फिजिबिलिटी से लेकर इसे जन उपयोगी बनाने के लिए भी सर्वे कराया जाएगा।
पिछले दिनों रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके त्रिपाठी के साथ वाराणसी विकास प्राधिकरण की रोपवे परियोजना पर हुई बैठक में इसे कैंट रेलवे स्टेशन से एकीकृत करने पर चर्चा हुई थी, जिसके अंतर्गत अब रेलवे स्टेशन पर ही रोपवे के प्रवेश द्वार और टिकट की व्यवस्था के लिए रेलवे इस परियोजना की सहयोगी बनेगी। वाराणसी रोपवे की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि वाराणसी नगर में लगभग 45 मीटर की ऊंचाई से गुजरने वाले रोपवे को साजन तिराहा, सिगरा, रथ यात्रा और लक्सा होते हुए गिरजाघर पर पहुंचाया जाना था, तथा 5 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर खर्च होने वाले 440 करोड़ रुपए का पूरा खाका भारत सरकार की सहयोगी कंपनी वेबकॉस ने तैयार किया था। यहाँ बता दें कि रोपवे परियोजना को PPP मॉडल पर पूरा किया जाना था, परंतु विकासकर्ता कंपनियों के सामने नहीं आने के पश्चात इस परियोजना के वित्तीय सहयोग के लिए विकल्पों पर चर्चा की जा रही है। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने कहा है कि अलाइनमेंट और फिजिबिलिटी परिवर्तन के लिए सर्वे कराया जा रहा है। भारत सरकार की ओर से नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए एजेंसी नामित किया गया है। शीघ्र ही नए परिवर्तन के साथ टेंडर जारी किया जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो बनारस में मेट्रो के विकल्प के रूप में देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन रोपवे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट अब नए सिरे से तैयार होगी। पूर्व में वेबकॉस की रिपोर्ट पर किसी भी प्रकार की निविदा न आने पर यह निर्णय लिया गया है, तथा वेबकॉस व उसकी रिपोर्ट को निष्क्रिय कर दिया गया है। यह कार्य अब NHLML अर्थात नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड को सौंपा गया है। यही नहीं, अब इसी कंपनी पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के साथ ही रोपवे संचालन मॉडल बनाने व निविदा निकालने का भी दायित्व होगा। इस कंपनी की जानकारी के लिए बता दें कि यह कंपनी NHAI अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कंसल्टेंट है। केंद्र सरकार ने भी इस संस्था के नाम पर स्वीकृति दे दी है। इसी के साथ ही केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना पर्वतमाला से रोपवे परियोजना जुड़ जाएगी। इस संबंध में वीडियो ने बताया कि नवंबर से लगभग 7 बार निविदा की तिथि आगे बढ़ाने के पश्चात भी जब कंपनियों ने रुचि नहीं दिखाई तो इसके पश्चात शासन के निर्देश पर परियोजना के अलाइनमेंट व तकनीकी फिजिबिलिटी का फिर से अब परीक्षण होगा। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई वाराणसी रोपवे की नवीन जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप व टेलीग्राम आदि में जुड़ें, एवं आगे आने वाले वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।